कैसे हैं स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। एक्सरसाइज 13.1 प्रश्नावली 13.1 चैप्टर सीधा और प्रतिलोम समानुपात के 1 से लेकर 7 तक प्रश्न मैं आपको पिछली वीडियोस में सॉल्व करा चुका हूं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। 8वां प्रश्न है, रश्मि के पास एक सड़क मानचित्र है, ठीक है, जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। यानी जो पैमाना है उसमें 18 किलोमीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर की दूरी के रूप में दिखाया गया है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी। यानी 72 किलोमीटर की दूरी को मानचित्र में कितने सेंटीमीटर का दिखाया जाएगा। 18 किलोमीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर में दिखाया गया है, तो 72 किलोमीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा की दूरी में दिखाया जाएगा या नहीं। तो यहाँ कैसा समानुपात हो रहा है, सीधा समानुपात हो रहा है। तो इसे सॉल्व कैसे करना है, एक तरफ आप लिख लेंगे सड़क की दूरी। तो सड़क की दूरी पहले हमें दी है 18 किलोमीटर, ठीक है, और 18 किलोमीटर की दूरी को पैमाने पर कितना दिखाया गया है, 1 सेंटीमीटर का। फिर हमसे कहा गया 72 किलोमीटर की दूरी को पैमाने पर कितने सेंटीमीटर में दिखाया जाएगा। तो 72 किलोमीटर की दूरी को पैमाने पर कितने सेंटीमीटर में दिखाया जाएगा, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ 18 किलोमीटर की दूरी को जब 1 सेंटीमीटर की दूरी में दिखाया जा रहा है, तो 72 किलोमीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा की दूरी में दिखाया जाएगा। तो यहाँ राशि बढ़ी 18 से 72 हुई, यहाँ भी बढ़ रही, तो ये सीधा समानुपात हो गया। इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं y2, ठीक है। बाकी वीडियोज आप जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्या संबंध होता है स्टूडेंट्स, x1 का y1 के साथ जो अनुपात होगा, x1 का y1 के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात x2 का y2 के साथ होगा। तो x2 का अनुपात y2 से, ये दोनों बराबर होंगे। मान रख लेते हैं x1 है 18 बटे y1 है हमारा 1 बराबर x2 है 72 बटे y2 हमें निकालना है। क्वेश्चन मार्क दो, y2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y2 की और 18 की गुणा करेंगे तो मिलेगा y2 गुणा 18 बराबर, ये बराबर लगाएंगे, 1 की और 72 गुणा करेंगे तो 72 कम 72 निकालना क्या, y2, तो y2 बराबर क्या हो जाएगा, 72 बटे 18। गुणा की चीज़ साइड चेंज करके बटे में जाती है, 18 से 72 को भाग दे लेते हैं, 18 कम 18 और 18 चौक 18 दून 36 18 3 चौक 18 4 72, तो हमें y2 मिल गया 4, और ये क्या होगा सेंटीमीटर, यहाँ आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका ये, यानी पैमाने पर जो दूरी होगी 72 किलोमीटर की वो दिखाई जाएगी 4 सेंटीमीटर में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।